तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ख़ासकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का, कि इस ले एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो अपील मुझे करना पड़ी थी ट्विटर के ज़रिए, उस पर अमल करते हुए कई मीटिंग्स हुए और पीएमओ ऑफिस से एक टीम लद्दाख में आई जिन्होंने एयरपोर्ट का जायज़ा लिया और हमारे साथ मीटिंग की और क्या क्या समाधान इसका अभी भी, जबकि ये बढ़ चुका है, आधा पहुंच चुका है, क्या क्या समाधान किया जा सकता है इस पर उन्होंने गौर किया। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं पिछले 3 सालों से स्थानीय स्तर पर लोकल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अफसरों से मिलता रहा हूं, अपील करता रहा हूं, मगर उनके दायरे से शायद बाहर था क्योंकि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके थे, उनके डेडलाइंस थे, तो कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा था। तो जब कोई 6ठे मीटिंग के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा था और दूसरी तरफ मैं बहुत प्रभावित हूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स हैं वो बहुत ही स्पीड से एयरपोर्ट को बनाए जा रहे थे, जो कि एक तरफ अच्छी बात है, दूसरी तरफ बदकिस्मती है क्योंकि गलत रास्ते पे हम बहुत तेज़ दौड़ें तो हम दूर जाएंगे सही से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि ये काम तो बढ़ता जाएगा और देरी तो देश के लिए भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगी, तो मैंने ये ट्वीट की। अब दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ले एयरपोर्ट के डिज़ाइन में खामियाँ थी, ख़ासकर लद्दाख जैसे इलाके को ध्यान में रखते हुए, ये किसी पर दोष देने की बात नहीं है क्योंकि ये 3-4 साल पहले हुआ एक डिज़ाइन था, जिस समय एक तरफ तो ग्रिड कनेक्शन नहीं था लद्दाख में, इलेक्ट्रिक ग्रिड, और दूसरी तरफ लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात नहीं थी। मगर अब हालात बहुत बदले हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख खित्ते को, पूरे रीजन को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉप 26 में भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात 2070 तक हुई है। तो ऐसे में फिर ये बहुत ही मामला गंभीर बनता है और फिर अब ग्रिड कनेक्टिविटी है बिजली का, तो ऐसे में जो मेजर्स इस एयरपोर्ट में हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर फिर भी पुराने डिज़ाइन पे हम दौड़े चले जा रहे थे। तो मैं बताता हूँ आपको डिज़ाइन क्या था, क्या कम। दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट का सामने का दक्षिण का शीशा है उसमें से 1 मेगावाट के दर पर सूरज की धूप आती है, यानी कि दिन में लगभग 4 मेगावाट आर की गर्मी आती है, उसे कहीं गिना नहीं गया था कि ये गर्मी भी काफ़ी हो सकती है एयरपोर्ट को गर्माहट के डीजल के बजाय। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला तो दक्षिण के शीशे से आप पूरी गर्मी ले 4 मेगावाट आर की, इसके लिए शीशे का डिज़ाइन ठीक करें। ये शीशे का डिज़ाइन ही थोड़ा टिल्ट इसका उल्टा था क्योंकि इसको उन्होंने गर्मी के स्रोत की तरह देखा नहीं था, तो उसे सीधा करें। दूसरी तरफ इंसुलेशन इतना अच्छा करें, पैसा खर्चें तो इंसुलेशन में खर्चें ताकि आपको डीजल और ऊर्जा में खर्चना ही नहीं पड़े, वो धूप ही काफ़ी हो जाए इसको गर्म रखने के लिए। तो अभी हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि गर्माहट सूरज से सीधी ली जाए और इंसुलेशन के जरिए कैप्चर किया जाए, तो डीजल बॉयलर्स को तो बिल्कुल हटा दें, बहुत पैसा बचेगा। और फिर जनरेटर जो एयर कंडीशनिंग के लिए, वो तो बिल्कुल आधा कर दीजिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत जो बिजली की पड़ेगी वो ग्रिड से ले सकते हैं। ग्रिड फेल हो और सूरज फेल हो, यानी कि बादल ही बादल हो, तब के लिए आप एक स्टैंड बाय रख लीजिए, वरना डीजल की ज़रूरत नहीं है। और अगर बॉयलर ज़रूरत हो तो हर डीजल जनरेटर एक बॉयलर भी है, उसमें से बिजली एक निकलता है तो गर्मी 2 निकलती है, तो वो 2 को आप बॉयलर समझ के रन कीजिए अगर ऐसा कोई हादसा हुआ कि ना धूप है ना ग्रिड है, तो इस तरह से करें। और गर्मियों में अगर सर्दी, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोपहर से पहले एयर कंडीशनिंग की, ज़रूरत पड़ी तो ये एयरपोर्ट ज़मीन के नीचे से बोरवेल से
1,00,000 लीटर दिन में निकालती है। तो ये जो पानी है वो 12 डिग्री पे आती है, और 12 डिग्री से बेहतर एयर कंडीशनिंग क्या हो सकता है, उसी को हम ब्लोअर से एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जीरो एनर्जी पे आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगा, जीरो एनर्जी पे आपको गर्माहट मिलेगी, बस इंसुलेशन बदलिए और थोड़ा इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन करें। ये प्रस्ताव हम विनम्रता से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के आगे रख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इन पर अमल होगी और ले का ये एयरपोर्ट एक मिसाल बनेगा दुनिया में, जो कि डिजाइन किसी तरह शुरू हुआ हो, मिड कोर्स करेक्शन करके हमारे पीएमओ के इनिशिएटिव पर मैं कहूंगा, वरना कहने वाले तो बहुत होते हैं, सुनने वाले की कमी होती है। तो जब उन्होंने ये सुना है तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे चलकर एक मिसाल कायम करेगी दुनिया में कि एक कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, फुल्ली कार्बन न्यूट्रल बन जाए, और ऐसा जो कि लद्दाख के लिए गर्व की बात हो। ये डिज़ाइन पे हम दौड़े चले जा रहे थे, तो मैं बताता हूँ आपको डिज़ाइन क्या था, क्या कमियाँ थी और अब हम क्या करने की प्रस्ताव रख रहे हैं। तो खामियाँ ये थी कि जो लेह का एयरपोर्ट था उसे लगभग ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि एक तरफ जैसे वो ले में नहीं कहीं और है, तो शायद उसके क्लाइमेट डाटा वगैरह ले के नहीं कहीं और के लिए गए थे मुझे लगता है। जैसे एयर कंडीशनिंग पे बहुत जोर था, लगभग 800 किलोवाट यानी कि कोई 1 मेगावाट का एयर कंडीशनर का सिस्टम, पावर सब कुछ, जिसपे बहुत खर्च आएगा और चलाने पर भी वो लगा रखा था, जबकि लद्दाख में आपको मालूम है एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी एयरपोर्ट दोपहर तक ही चलता है जिस वक्त में गर्मी होती ही नहीं है। और दूसरी तरफ सर्दियों के लिए क्या तरीका था अभी के एयरपोर्ट में कि डीजल बॉयलर्स से हम गर्मी लें। अब डीजल बॉयलर्स एक तो छोटे नहीं हैं, ये कोई 3 मेगावाट के डीजल बॉयलर्स हैं, और लद्दाख जैसे ऊंचाई पे डीजल का या कंबस्टन का जो भी हो वो 30% कम प्रभावी होता है, तो डीजल ज्यादा धुआं, डीजल भी ज्यादा धुआं भी ज्यादा, असर कम होगा, और इस धुएं से आपको पता है प्रदूषण किस हद तक हो सकता है। और फिर ये तो हुआ गर्माहट के लिए डीजल, दूसरी तरफ एयर कंडीशनिंग और जो भी एयरपोर्ट के मशीनरी है उसके लिए डीजल जनरेटर का प्रबंध था, वो भी कोई 3 मेगावाट के, तो इसमें खर्च बहुत होगा, और अभी तो ग्रिड भी है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए ये डिज़ाइन बदलनी चाहिए, मगर बदला नहीं था। तो डीजल पे बहुत जोर था, और लगभग दिन में कोई 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का खर्चा था दिन का, और खर्चा क्योंकि डीजल कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं और आती भी अरब देशों से है, तो देश का राजस्व इसमें लगभग 3 से 5 लाख रुपए दिन का खर्चा होने वाला था। तो ऐसे में ले का ये एयरपोर्ट एक बुरा मिसाल बन जाता दुनिया के लिए। और फिर कमी एक सबसे बड़ी जो लद्दाख में नहीं होनी चाहिए थी वो ये थी कि एक तरफ इंसुलेशन, यहाँ कोई भी आप देख सकते हैं लोग कितने गर्म जैकेट लगाते हैं, तो वैसे ही बिल्डिंग्स में इंसुलेशन होता है, वो इंसुलेशन बहुत कम थी, दीवारों में कम थी, फर्श के नीचे तो थी ही नहीं, एक बिल्डिंग के छत पे ना के बराबर थी, तो ऐसे में जो भी गर्मी डीजल से देंगे वो जाता रहेगा ठंडी हवाओं में बाहर के, तो एक ये कमी थी। दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट का सामने का दक्षिण का शीशा है उसमें से 1 मेगा जाए, और ऐसा जो कि लद्दाख के लिए गर्व की बात हो, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर। तो जिस तरह अभी आपने एयरपोर्ट के बारे में कभी इश्यूज अपने निकाले थे, तो एयरपोर्ट जो है तकरीबन आधा बन चुका है सर, तो अभी आगे दो साल में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आपने जितने भी इश्यूज निकाले हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको करना चाहिए सर? जी बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि दोबारा एक रिव्यू किया जाए एयरपोर्ट के डिज़ाइन पर, और मिड कोर्स करेक्शन, बीच में हम अपना क्या कहेंगे रणनीति बदलें ज़रूरत हो तो, और जल्दी नहीं होनी चाहिए। 2022 दिसंबर अगर हमारा डेडलाइन है, अच्छी बात है, हो जाए तो इन सब परिवर्तनों के साथ डेडलाइन मीट करें तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो यही होनी चाहिए, मगर अगर किसी तरह से 1 साल देर हो जाए
तो मेरे ख्याल से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे जल्दी पहुंचना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, उससे अच्छा है सही रास्ते पे भले ही थोड़े देर आए, उसी को कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। तो मेरी उम्मीद है कि यही सिलसिला हो ले एयरपोर्ट का भी, कि शायद जल्द भी आयत दुरुस्त आयत, नहीं तो फिर देर आयत मगर दुरुस्त आयत।